बिग बॉस सीजन 14 के सारे कंटेस्टेंट्स हो गए बहुत ज्यादा भावुक। आइए जानते हैं क्यों, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चव्हाण और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हुए नजर आए हैं, पर अब ये देखने मिला कि सारे के सारे कंटेस्टेंट्स हो गए बहुत ज्यादा भावुक। अब मैं बता दूं आपको आखिर हुआ क्या। ये हुआ कि हीना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला, हमारे जो तीन तूफानी सीनियर्स हैं, उन्होंने ले लिया है अलविदा बिग बॉस सीजन 14 के घर से। और ये सुनते ही जब बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया, फर्स्ट जो ब्रेकडाउन हुई वो थी निकी तंबोली, उनके बाद जान कुमार सानू, और वो जो दोनों थे वो इतने ऐसे लग रहा था कि अटैच हो गए हैं सीनियर्स से कि उनको ये चाहिए ही नहीं था कि सीनियर्स अलविदा ले। और मैं ये बता दूं कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए एकदम से। पता है, कोई आ जाता है हमारे घर पे रहने के लिए और हम पूरा एक हफ्ता उनके साथ बिता लेते हैं, और जब टाइम आता है कि वो जाए घर से तो एकदम ऐसा सूना सूना लगता है। तो ये जो एक फीलिंग जो हमें महसूस होती है, वो सभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को भी महसूस हुई। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो एक फर्स्ट हाईलाइट थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हाईलाइट हुई वो ये हुआ कि बिग बॉस के घर में आ गई है इमरजेंसी। तो क्या अब बिग बॉस इनके बीच भेज देंगे दूसरा लॉट ऑफ सीनियर्स? पहले तीन सीनियर्स ने तो अलविदा ले लिया, पर क्या अब आएंगे दूसरे तीन सीनियर्स बिग बॉस हाउस में? ये तो समझ में नहीं आ रहा है, पर ये हालांकि ये मेरा एक अजम्पशन है। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि कैप्टेंसी के लिए टास्क हुआ था कल, और जहां पर ये कहा गया था कि जो बचेगा वो लाख हो पाएगा। जी दोस्तों, तो क्या लगता है आपको कि आखिर कौन बन जाएगा कैप्टन? क्योंकि हम सभी को पता है कि संचालक जो थे इस टास्क के, पवित्र पूनिया और एजाज खान, वो तो चले गए हैं रेड जोन में, और वो कभी कभी ही मिल सकते हैं ग्रीन जोन के बाकी कंटेस्टेंट से। तो क्या कुछ है आपकी राय इस पर? क्या लगता है आपको बिग बॉस में अब नया टर्न क्या आने वाला है, और कौन होंगे ये सीनियर्स, अगर सीनियर्स आने ही वाले हैं तो? बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो क्या कुछ है आपका प्रेडिक्शन, हम जानने के लिए है उत्सुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज शुल्का चव्हाण साइनिंग ऑफ।